नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर और अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीएस का पहला क्लास होगा बहुत दिनों के बाद। इसमें जीएस के ऐसे पॉइंट्स की बात किया जाएगा जो एग्जाम में हमेशा हमेशा के लिए आता है। वैसे देखिए, सबसे पहले लिखा गया राज व्यवस्था हिट्स पॉइंट। वैसे देखिए, कहा जाता है मेरे भाई कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत होता है। कैबिनेट मिशन योजना 1900 कितना 46 के तहत होता है, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत होता है। ये दोनों बातें आप याद कर लीजिएगा। भारत पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत है। एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए आपको कि संविधान की मांग लिखित रूप से 1924 में स्वराज पार्टी में हुई थी। स्वराज पार्टी आपको मालूम होगा, वही चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिसकी गठन की थी लखनऊ में, वही पार्टी थी जो सबसे पहले संविधान की मांग की थी 1924 में। लेकिन संविधान जो है निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत होता है, और ये हम लोग के भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत होता है। अब ध्यान से सुनिए, जो कैबिनेट मिशन योजना है मेरे भाई, इसके अध्यक्ष का नाम था पैथिक लारेंस। क्या नाम था? पैथिक लारेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसका मेन अध्यक्ष था, उसका नाम था पैथिक लारेंस। आगे की बात देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को सर्वप्रथम कौटिल्य ने पेश किया था। वही कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री थे, एक छोटे से मोर चराने वाले व्यक्ति को राजा बनाते थे, वही कौटिल्य हैं जो सबसे पहले मेरे भाई सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति। का नाम था कौटिल्य, चाणक्य या भीष्मगुप्त। समझ पाए? ये मौर्य साम्राज्य में थे। इनकी पुस्तक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। कहने को अर्थशास्त्र है, लेकिन जानते हैं ये पूरा का पूरा राजनीति से संबंधित है, और ये मौर्य काल में लिखा गया था। कौन से काल में? मौर्य काल में लिखा गया था। अगला देखिए, संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय 389 सदस्य थे, लेकिन जब विभाजन हो गया उस समय 299 सदस्य थे। तो ये भी याद कर लीजिएगा, बाद में 299 सदस्य थे। और सबसे तगड़ा पॉइंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ध्यान से समझिएगा, अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन क्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, ये तो मालूम ही होगा। संशोधन भारत की संसद करती है। पहला बार संशोधन 1951 में होता है, और संशोधन भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे खतरनाक संशोधन रहा 42वां संविधान संशोधन। इतना ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ कि पूरा संविधान का नक्शा ही बदल दिया गया। और उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और उसी समय मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 अनुच्छेद 51A भाग 4A रूस से लिया गया था, जिसकी संख्या 10 थी। इस समय कितनी संख्या है मूल कर्तव्य की, आप बता सकते हैं हमें? ठीक है, अगला देखें, इटली के एक मैकियावेली है। अब ध्यान से सुनिए, ये मैकियावेली इटली, पहला तो ये यही प्रश्न पूछेगा कि मैकियावेली कहाँ के हैं, तो इटली के हैं। और इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था द प्रिंस। ध्यान से समझिएगा, जैसे भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का मैकियावेली कौन? चाणक्य। और मैकियावेली कहाँ का? इटली का है। और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना द प्रिंस से की जाती है। किससे की जाती है? द प्रिंस से की जाती है। ये हम लोग का मैकियावेली है। भारत के संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये भी कभी कभी आता नहीं है,
लेकिन जानना जरूरी है कि भारत के संविधान में के निर्माण में कितना समय लगा। 2 वर्ष, कितना वर्ष? 2 वर्ष, उसके बाद 11 महीना 18 दिन और बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 कितने को? 49 को। मतलब पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 1900 कितने में? 49 को, 26 नवंबर को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। समझ पाए? भारत में संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे। कितनी बेहतरीन बातें लिखी गई है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। किससे शुरुआत होती है? हम भारत के लोग से, यानी कि भारत का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, भारत में जो भारत का सबसे पावरफुल कौन है? जनता है। यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। और संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसको हिंदी में अधिकार पत्र बोलते हैं। ये पहली बार ब्रिटेन में प्रयोग हुआ था, लेकिन ये फ्रांसीसी शब्द है। और जो मैग्ना कार्टा है, भारतीय संविधान के भाग 3 को, मूल अधिकार को कहते हैं। और मैग्ना कार्टा सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लागू हुआ था 1791 में। जैसे 1789 में अमेरिका का संविधान लागू होता है और अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र होता है, लेकिन 1789 में संविधान लागू होता है और 1791 में संविधान में संशोधन करके अमेरिका में मूल अधिकार को जोड़ा जाता है। लेकिन भारत का भी जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका का मूल अधिकार है वही भारत का मूल अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? जब आपको मूल अधिकार बताया जाएगा आपको जरूर बताएंगे। अगला देखें, मैग्ना कार्टा वो आत्मा की संज्ञा मूल अधिकार को दी जाती है। एक बार और हम अपनी बातों को दोहरा देते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत होता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ होता है। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस था, इसमें 3 सदस्य थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। अगला स्लाइड पर चलते हैं, क्या है? देखिए, कृषि से संबंधित बातें, एग्रीकल्चर। आपको मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे पहले आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले कृषि पर जोर दिया गया, क्योंकि हमें खाना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि भारत और पूरी दुनिया का सबसे खाद्यान्न फसल चावल है। समझते हैं, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि कपास के लिए काली मृदा चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चाय और कॉफी और काजू के लिए लैटराइट मृदा चाहिए, यह भी अच्छी बात है। यानी कि कपास के लिए काली मृदा या रेगुर मृदा चाहिए, जबकि चाय, कॉफी और काजू और रबर और नारियल के लिए लैटराइट मृदा चाहिए। झूम एवं स्थानांतरित खेती पहाड़ी क्षेत्रों में वन काटकर जनजातियों द्वारा की जाती है। अब ये क्या होता है, झूम की खेती क्या होती है बाबू? पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है कि आदिवासी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और क्या करते हैं कि वो लकड़ी को काटकर वहां पर खेती को उपजाऊ बना देते हैं। 2-3 साल 5 साल तक खेती करते हैं, उसके बाद उनको ना पता है वहां से खदेड़ दिया जाता है या अपनी इच्छा से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहां पर जमीन खाली हो जाती है, दूसरी जगह वही काम करते हैं, लकड़ी को काट कर फिर खेती योग्य भूमि बनाते हैं। वैसी ही खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अस्थूम या स्थानांतरित खेती। अब आपको पता है कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में लाई गई थी M.S. स्वामीनाथन की सहायता से, लेकिन पूरी दुनिया में जो हरित क्रांति लाई गई थी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाया गया था, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको का था, लेकिन हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया था। हरित क्रांति भारत में कपास की खेती के लिए लाई गई थी, ये भी आपको पता है। और पूरी दुनिया में हरित क्रांति टमाटर की खेती के लिए लाई गई थी, ये भी आपको पता है। तो अब दूसरी बात देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति, ये भी कृषि के वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। नाबार्ड, देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसका काम होता है बाबू भारतीय किसानों को लोन देना।
और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गोविंद रामलुलू चिंटाला, और इसकी जो समिति है उसका नाम है शिवरमन समिति। और ये देखिए 1982 में कृषि एवं ग्रामीण सा के हेतु सर्वोच्च संस्था, अच्छी बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में दलहन चावल गेहूं में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब चीजें। बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा हेतु न्यूनतम समर्थक मूल्य वर्ष में 2 बार एसीपीसी द्वारा, ध्यान से समझिए एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार क्या करती है कि 22 फसलों पर एमएसपी तय करती है और सरकार इस पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि सरकार एक दाम निर्धारित कर देती है और उस पर किसान अपना फसल को बेचता है, यही एमएसपी है। अगला देखें जो खाद्यान्न है गेहूं चावल सब्जियों में उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है, समझ पाए। गेहूं चावल एवं सब्जियों के उत्पादन, गेहूं हो चावल हो सब्जी हो, सबसे ज्यादा उत्पादन में चीन नंबर वन है और दूसरे नंबर पर क्या है, भारत है, समझ पाए। ये सब हम लोगों की बातें कृषि से हिट्स पॉइंट थी। आगे की बात हम लोग देख लीजिए मित्र, आगे की बात देखें परियोजना। आपको मालूम है कि परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, देखिए कितना बेहतरीन बातें कही गई है। परियोजना से बहुत फायदे होते हैं, पहली बात तो लोगों को कृषि के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध होती है, दूसरी बात परियोजना से विद्युत पैदा किया जाता है, तीसरी बात पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, समझ पाए। और परियोजनाओं से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सूखा परियोजना, कौन सी परियोजना, सूखा परियोजना, ये भारत और भूटान की सीमा, भारत और क्या भूटान की, पूछेगा परियोजना किन देशों के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में आपको पता है भूटान की राजधानी थिम्पू है, कहाँ पर है, थिम्पू है, थिम्पू, और भूटान की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है, क्या है, नगुल्ट्रम, और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, क्या है बाबू, तीरंदाजी है। और भूटान की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की संसद को ट्वांगडू कहते हैं और ये बौद्ध धर्म का देश है, बौद्ध धर्म यहाँ पर माना जाता है। और आपको मालूम होगा कि जो भारत चाइना और भूटान के बीच में जो विवादित जगह है डोकलाम, ये भूटान के पास है लेकिन भूटान दे दिया है भारत को क्योंकि इतना पैसा नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान है और भूटान के पास इतना पैसा नहीं है कि सैनिक व्यवस्था को रख सके, तो भारत के भारतीय सैनिक इसकी सुरक्षा करते हैं, समझ पाए। और भूटान को बिजली के गड़गड़ाहट का देश कहते हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, और भूटान जो है एक ऐसा देश है, भू आवेष्टित देश है, मतलब भूटान की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, समझ पाए, ये एशिया महाद्वीप में है। अगला देखें बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलपुर परियोजना, किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, तुलपुर परियोजना झेलम नदी पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। हमेशा पूछा जाता है दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और तुलपुर परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, किशनगंगा परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला देखें चमेरा एवं पार्वती हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाथपा झाकरी और कोल्डेम परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल परियोजना है, नाथवा झाकरी, कोल्डेम परियोजना और फिर भाखड़ा नांगल बांध, ये तीनों के तीनों सतलज नदी पर है। और भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के रोपड़ जिला में है, और भाखड़ा नांगल बांध से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, 4 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को फायदा होता है क्योंकि यहीं से बिजली मिलती है, और यही भाखड़ा नांगल बांध है, यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है हरिकेन बैराज से, कहां से, हरिकेन बैराज से, और यहीं से पूरा पानी राजस्थान में जाता है और राजस्थान में तिलहन होता है, तिलहन प्रदेश राजस्थान, दलहन प्रदेश मध्य प्रदेश और खाद्यान्न प्रदेश उत्तर प्रदेश, इस बात को याद कर लीजिएगा। पिस्ता परियोजना सिक्किम में है, भारत और नेपाल के बीच में। आपको मालूम है कि मेरे भाई लोहित, मानस और तीस्ता, ये तीन ऐसी सहायक नदियां हैं
जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित, मानस, तीस्ता किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और सिक्किम जो है मेरे भाई, क्या बाबू, सिक्किम, गौर से सुनिएगा, सिक्किम जो है एक झील है, उसका नाम है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका में है, और भारत की सबसे ऊंची झील जो है हम लोग का कौन सा है, कौन सा है बाबू? चोलामू है, यही सिक्किम है। और इसी तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना है। अब देखिए, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी से हरिकेन बैराज से निकाली गई। देखिए अभी मैंने बताया ना, हरिकेन बैराज कौन सा बैराज है? हरिकेन बैराज से, और भाखड़ा नांगल बांध से ही इसका पानी मिलता है। आपको मालूम है कि रावी ब्यास चिनाब सतलज और झेलम, पांच नदियां पंजाब में बहती है, इसलिए पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। तो ये हम लोग की परियोजनाएं थी। इसके बाद बहुत सी परियोजनाएं आएंगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल में इस पर चलते हैं, अगला देखिए। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ ना, से क्वेश्चन था, अभी सीजीएल का पेपर हो रहा है, उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें पूछी जा रही है, उससे बचिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए, याद करने की। देखिए, सल्तनत एवं मुगल शासकों की राजकीय भाषा फारसी थी, पता है? दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 और 1526 से लेकर 1857, ये सब पहले दिल्ली सल्तनत आए, उसके बाद मुगल साम्राज्य आए, और सबकी भाषा क्या थी? फारसी थी, सबकी भाषा फारसी थी। अगला देखें, शाहजहां ने रुचि गायन में, जबकि औरंगजेब बीड़ा वादन में भी थी। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे बाबर की रुचि बागवानी में थी, हिमायु की रुचि मालूम है किस में थी? ज्योतिष में थी। उसके बाद अकबर की रुचि नगाड़ा बजाने में थी, शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में थी, जहांगीर की रुचि चित्रकला में थी, और औरंगजेब की रुचि बीड़ा बजाने में थी। तो वही बातें यहाँ पर कह रहा है कि बीड़ा वादन में थी। कह रहा है कि दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया, हमेशा पूछा जाता है। हुआ क्या बाबू कि दिल्ली सल्तनत में एक राजा आया आया, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, बचपन का नाम था जूना खान। इसने क्या किया कि गंगा और यमुना के बीच का होता है, जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। उसमें टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और जैसे ही टैक्स को बढ़ा दिया तो वहां सूखा पड़ गया। जैसे ही सूखा पड़ा, ये 1325 से लेकर 28 की कहानी, और उसमें क्या होता है कि जैसे ही सूखा पड़ गया तो लोग लगान देने के लिए, टैक्स देने के लिए नहीं करने लगे, तो सुल्तान ने जबरदस्ती बाबू टैक्स वसूलने के लिए एक विभाग बना दिया, जिसका नाम था अमीरे को ही, जबरदस्ती वसूलने लगे। जैसे जबरदस्ती वसूलने लगे तो किसान नहीं दे पा रहे थे, उनको मार कर पीट कर किसी से छीना करते थे, क्योंकि ये गलत है। लेकिन राजा क्या करता है बाबू, उससे मतलब नहीं है। जब राजा घमंड में हो जाता है, प्रजा मरे चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब गलत है, ये सब क्या है? गलत है। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, क्या कर सकते हैं। तो ये अमीर एको ही कृषि विभाग से संबंधित संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखें, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा होती है, किसके द्वारा? मनसबदारी। मनसबदारी प्रथा क्या होता है? इसमें पद होता था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उसे 400 घोड़े और 1000 सैनिकों का मालिक बना दिया जाता था। मालिक, सोचिए, जब पता है युद्ध के लिए जब सैनिक तैयार होती हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 10,000 सेना है, तो एक व्यक्ति 10,000 सेना को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसमें छोटे छोटे लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार पद दे दिया जाता था, उसी को मनसबदारी प्रथा कहते हैं। और ये अकबर ने चालू किया, किसने चालू किया? अकबर। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठता है, 1605 में मर जाता है। इसका मकबरा आगरा के सिकंदरा में है,
कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा में है। और अकबर महान है, क्यों महान है जरूर हम बताएंगे। अब तक इस धरती पर तीन ही लोग महान हुए, सिकंदर महान हुआ, अशोक महान हुआ और अकबर महान हुआ। क्योंकि जब अकबर गद्दी पर बैठा ना, तो भारत में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग खाने खाने के लिए मर रहे थे। जब अकबर आया, पूरा इतिहास को ही बदल डाला, सब कुछ बदल डाला। सोच लीजिए, ये है अकबर की ताकत। जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा, सोच लीजिए, सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा, वही कंडीशन थी, भारत को एकदम बदल डाला, दिशा दशा सब कुछ। और राजा वही होता है जो हालातों को बदल दे। किसको बदल दे? हालातों को बदल दे, जज्बातों को बदल दे, जैसे आप बदल रहे हैं मेहनत करके, अथक परिश्रम करके। कहा जाता है बाबू, ना दर्द ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना दर्द ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो एक जुनून पैदा कर दीजिए, और यदि आपको ऐसा लगे जिस दिन कि आपके बस की बात, कोई बस की बात नहीं है, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा भाई। आज जिससे पीछा छोड़ा रहे ना, जिन किताबों से भाग रहे हैं, उन किताबों से प्यार हो जाएगा, नशा हो जाएगा। और जो मेहनत का नशा कर देगा ना, कामयाबी उसकी मुट्ठियों में होगी। इस बात को एकदम गौर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिमायू नामा गुलबदन बेगम, वाह 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 गुलबदन बेगम समझिए, और अकबर नामा अब्दुल फजल। आईने अकबरी ही अकबर नामा है। गुलबदन बेगम ने क्या किया कि हिमायू नामा लिखा। हिमायू नामा दो पार्ट में है, पहले पार्ट में बाबर के बारे में, दूसरे पार्ट में हिमायू के बारे में। और हिमायू नामा में ये भी लिखा गया है कि बाबर को जहर देकर मार दिया गया था। अगला, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहां ने किया था। बिल्कुल बाबू, घर द्वार मंदिर जो भी है, मस्जिद है, ठीक है, लाल किला है, आगरा का किला है, आगरा का किला अकबर, लाहौर का किला अकबर, इलाहाबाद का किला अकबर, लेकिन ताजमहल, ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां की ही देन है। अगला देखिए, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, अरे वाह बहुत बड़ा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और ये देखिए, मल्लिकापुर गुजरात में एक किन्नर था, हिजड़ा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। इसको नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। पता है, अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के प्यार में पागल हो गया था, पागल हो गया था, क्योंकि तो मलिक काफूर बहुत खूबसूरत था। और मलिक काफूर अकेले दक्षिण भारत को जीत लिया, अकेले दक्षिण भारत को। और मैंने बताया ना कि सीजीएल में अभी क्वेश्चन पूछा था कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने चालू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, मतलब कौन सा सैनिक हमारा है उसका मोहर लगाने की प्रथा, यही अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर था, इसे 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड पर चलते हैं बाबू। ये देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण, आपको मालूम है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, 1 जूल = 10^70 होता है। ऊर्जा दो तरह की होती है मुख्यतः, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। यदि गति में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो गतिज ऊर्जा, स्थिति रहकर ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थितिज ऊर्जा। ½mv² गतिज ऊर्जा है, mgh स्थितिज ऊर्जा है, दोनों को मिला देते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अब हम लोग बदल रहे हैं, देखिए, सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब हाँ जो सोलर सेल होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में हीटर और बल्ब बदलता है और ट्यूबलाइट बदलता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सेल बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, ढोलक बदलता है, हारमोनिया बदलता है बाबू। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में विद्युत घंटी और लाउड स्पीकर बदलता है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ताप विद्युत ग्रिड बदलता है। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है।
क्या बदलता है? जनरेटर या डायनेमो बदलता है। क्या बदलता है? डायनेमो। अगला स्लाइड पर चलते हैं बाबू। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र है जिससे मापा जाता है, जैसे पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, माइक्रोफोन से ध्वनि का ऊर्जा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में मापा जाता है, पेरिस्कोप समुद्र की सतही गतिविधियों के बारे में पता लगा जाता है, सोनार से समुद्र के अंदर बाबू पता लगा जाता है, वहीं रडार से वायुयान की स्थिति का पता लगाते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ट्रांसफार्मर बाबू वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है, और इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला स्लाइड पर चलते हैं। पानीपत का युद्ध हरियाणा में है, गजब का इंपॉर्टेंट। पानीपत में तीन युद्ध होता है, 1526, 1556, 1556 और 1761, याद कर लीजिएगा, हरियाणा में है। उसी तरह से हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में है, अरावली पहाड़ी पर। उसी तरह से प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है, नदिया जिले में है और भागीरथी नदी पर है। उसी तरह से वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए प्रसिद्ध था। बक्सर का युद्ध बिहार में है, कन्नौज का युद्ध उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का युद्ध का मैदान कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर। समझ पाए? आगे की बात चलते हैं। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ध्यान से समझिएगा। सांची का स्तूप इस समय जानते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। कौन सा? छतरपुर जिला में। और सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। अगला देखिए, प्रागैतिक ज्योतिषपुर और कामरूप असम का नाम है। असम का पुराना नाम कामरूप है। खजुराहो मध्य प्रदेश में चंदेल, देखिए खजुराहो जो मेन थे, इसकी मेन राजधानी बुंदेलखंड थी। कहाँ थी? बुंदेलखंड, यानी कि जो चंदेल शासक थे बुंदेलखंड में रहा करते थे, और इनकी मुख्यतः जो राजधानी थी आपकी खजुराहो मध्य प्रदेश में। और पाटलिपुत्र हरियक वंश से उदयन द्वारा स्थापित होता है, और इसमें कई वंश आते हैं, आपको मालूम है, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश, ये हम लोग का था। अगला गौड़ बंगाल का नाम है, याद कर लीजिएगा। कामरूप असम का नाम है, और आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है। बुद्ध गया बुद्ध के निर्माण के लिए, आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और बुद्ध जो होता है पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। गौतम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, आगे की बात, सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रथम उपदेश देते हैं। आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले पाली भाषा में सारनाथ के ऋषि पट्टनम में मृगदाव वन में उपदेश दिए थे। कहां पर? मृगदाव वन, ऋषि पट्टनम, और जगह है, मेन जगह है सारनाथ, वहीं पर सबसे पहले उपदेश देते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। और ये दिया था मल्ल शासकों की राजधानी कुशीनारा में, और वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र है? 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ये क्लास बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसका शेष पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे, वीडियो को कल अपलोड करेंगे, और अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब है, जैसे ही सही हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को दो तीन बार अच्छे से देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए काफी अमूल्य है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।